इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो उबले आलू ले लिए हैं। अब इन्हें छील कर अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे भीगा हुआ आधी कटोरी साबूदाना, एक हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे गरम तेल में डाल के डीप फ्राई कर लीजिए। इसे क्रिस्पी करने के लिए कम से कम 2 मिनट तक कम आंच पे इसे तलते रहें। अभी आपका स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप कुकुम्बर रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं।